देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी मारुति मेरी पहचान। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट्स, कुछ जरूरी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का पहले का नाम यानी कि पुराना नाम क्या था, वो था MUL यानी कि मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये क्या है, एक इंडियन सब्सिडायरी है यानी कि एक सहायक के रूप में काम कर रही है। किसके लिए? जापानीज ऑटोमोबाइल ऑटोमेकर, जापानीज ऑटोमेकर क्या है, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन यानी कि जो जापानीज ऑटोमेकर है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, उसके साथ मिलकर के सहायक के रूप में काम कर रही है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अकॉर्डिंग टू जुलाई 2023 का मारुति शेयर जो है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का मार्केट शेयर जुलाई 2023 के अनुसार हमारा है 42%। यानी कि अगर मार्केट में सारी सारे ऑटोमेकर्स मिलके जो गाड़ियां बेचते हैं, अगर 100 गाड़ियां टोटल कंपनीज बना करके बेच रही हैं तो मार्केट में, तो उसमें से 42 गाड़ियां मारुति सुजुकी की होंगी। और मारुति सुजुकी के जो फाउंडर्स थे, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वो फाउंडर कौन कौन थे, एक तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट और दूसरा उसके साथ सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं ओसामू सुजुकी, यानी कि जापान के साथ मिलकर के हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये कंपनी को फाउंड किया था, इसकी जो बुनियाद रखी थी, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली में। और की पीपल, इसकी की पीपल मतलब जो जहां से जो लोग इसको डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं वो है RC भार्गवा, ठीक है, जो कि हरियाणा के हैं, यानी कि रविंद्र चंद भार्गवा जो पहले एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे और ये चेयरमैन है अभी। फिर हिसासी ताकेउची, ये मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD है। और इससे पहले केनिची आयोगावा जी MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अभी वो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है, ठीक है। और जो डायरेक्टर है हमारे वो है ओसामू सुजुकी सान जो कि जापान के हैं, ठीक है। और इसकी जो अभी मारुति सुजुकी की जो नेट इनकम है 2023 की, यानी कि पर ईयर के हिसाब से इस साल की जो इनकम है वो 2023 की 8211 करोड़ की नेट इनकम है, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में, ठीक है। और प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1982 में। और इसके अलावा मारुति सुजुकी की जो JD पावर में जो रैंक है वो इस साल की यानी कि 2022 दिसंबर की जो रैंक है वो 9वें नंबर पे है मारुति सुजुकी। और इससे पहले जो कोरोना काल से यानी कि पैंडेमिक से पहले हमारी मारुति सुजुकी JD पावर में 17 टाइम्स फर्स्ट रैंक लाई है, यानी कि हर बार 17 बार ये फर्स्ट रैंक पे रही थी सेल्स के मामले में। JD पावर एक ग्रुप है जो कि एनालाइज करता है कि कौन सी कंपनी की सेल से कस्टमर कितना संतुष्ट है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में फर्स्ट रैंक हर बार अचीव कर रही थी मारुति सुजुकी 17 टाइम्स तक। और उसके पैंडमिक के बाद फिर 2022 में मारुति सुजुकी का जो है नाइन्थ रैंक है और जो फर्स्ट रैंक है वो हमारा MG मोटर्स का है, ठीक है। तो इसमें अब हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के जो मेन प्लांट्स हैं, जो प्रोडक्शन प्लांट हैं और इसके अलावा जो R&D प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, देखिए गुड़गांव सबसे पहले, पुराना प्लांट गुड़गांव है, ये 300 एकड़ में है, मानेसर 600 एकड़ में है और ये गुजरात है और ये भी काफी बड़ा प्लांट है, इसके बारे में मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है। बाकी एक अभी पांचवा जो अभी लग रहा है
वो लग रहा है खरखौदा। खरखौदा IMT हरियाणा, ठीक है। तो मानेसर है, उसके बाद गुजरात है और फिर रोहतक। रोहतक में क्या R&D यानी कि रिसर्च सेंटर है हमारा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का, और खरखौदा IMT मानेसर यहाँ पे भी शायद 1200 या 900 एकड़ में ये भी काफी बड़ा प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ फैक्ट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।